एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए मॉर्निंग के बज रहे 7 और मैं सो के उठ गई हूँ। आज है हमारे यहाँ पे कथा, तो जा रहे फ्रेंड उसकी तैयारी करने के लिए। और सॉरी, 7 नहीं, 7:30 बज रहे हैं। मौसम पूरा कोहरे वाला हो गया बाहर, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है फ्रेंड। तो फटाफट से पहले काम कर लेते, झाड़ू पोछा लगाना है, बहुत सारे काम हैं, करते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से फ्रेंड। गाइज, अभी हमारा ना सारा बर्तन मैंने धो लिया, इधर भी साफ सफाई कर लिया है मैंने, बर्तन भी धो लिया, अब झाड़ू भी लगा ली हूँ मैं, पोछा लगाना रह गया हमारा, तो अभी पोछा भी लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्रसाद है ना, वो रखा हुआ है फ्रेंड, देख सकते हो, सारे फ्रूट वगैरह हैं इसमें, संतरे, केले, सेब जो भी चढ़ते हैं सारे हैं, तो रख लिए हम लोग। और इतने सारे केले ना फ्रेंड लाते लाते दब गए हैं, क्योंकि उतनी दूर से मैं गई थी लेने, बच्चे भी साथ में दो, तो हालत ख़राब हो गई थी गाइज। तो सारी चीज़ें मतलब थोड़े बहुत से ख़राब भी हो गए, केले दब गए, केले का आपको पता ही है कि ख़राब हो ही जाता है दब जाता, तो केले का सेम वही हुआ है। बाकी सारा कुछ आ गया है, अब खाना बनाना है। अभी मैं चल रही हूँ बच्चों को नहलाऊँगी, बच्चे नहा लेंगे, तो बच्चों को नहाने के बाद ना फिर मैं खुद नहाऊंगी, पोछा भी लगाना है। अभी उस घर पे जाके सफाई करना फ्रेंड, वहाँ पे गद्दे गुद्दे भी छाने पड़ेंगे, क्योंकि आएंगे जो भी तो बैठेंगे अपना पंडित जी लोग। तो चलिए फटाफट, थोड़ा सा यहाँ पर कचड़ा निकल गया, फिर से देख सकते हो आप, वो सब्जी मैं खाली करके रख रही थी ना लिफाफों से, उसके पत्ते पत्ते गिर गए हैं। तो दो बच्चों को फ्रेंड ले कर करना कोई भी काम आसान नहीं है, और छोटे बच्चे खास करके, तो मैं अकेले करने वाली हूँ। अभी एक चाची मेरी, उनको मैं बुलाई हूँ, देखो कब तक आती हूँ, वो आ जाएंगी तो ठीक है, वो तो आएंगी ही, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी हेल्प हमेशा करती है कोई भी काम हो, तो अभी भी करेंगी, आएंगी। और हस्बैंड मेरे गए हैं दूध लेने, क्योंकि दूध चाहिए हमें खीर बनाने के लिए, तो दूध का बनेगा खीर, तो उसके लिए हमें चाहिए दूध, हस्बैंड गए हैं लेने, अभी आएंगे फिर पता लगेगा। और बच्चों के लिए मैं गाइज, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए कपड़े भी लेके आई हूँ कल, क्योंकि उसका धागे का था, पी लिया, चलो जाओ चादर में चेंज कर दो पहले, है ना, कोई आया गया बैठेगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, चादर कम से कम चेंज हो जाए। देखिए गाइज, पुरानी चादर मैं हटा दूँगी, और यहाँ पर ना मैं नई चादर लगाऊँगी अभी, क्योंकि एक दो जन आ ही जाते हैं बाई चांस, कोई भी आ जाए पंडित वगैरह, कोई भी बिठाना पड़े तो। लो बेटा इसको ले जाओ, बाथरूम में रख दो, जाओ अभी जाओ, बात सुनो बेटा, काम करो फटाफट, और रसोई में है, हटो रहो ना, अभी नीचे उतरो, जाओ मशीन में रख के इसको धोने, मैंने तो अभी मैं चादर नहीं, बेटा फोन पकड़ना, मैं चादर निकालो फ्रेंड को दिखाना, पकड़ो फोन, बस थोड़ा सा इधर जाओ, दूर इधर दिखाओ मम्मी को, इधर। हाँ। तो गाइस देखिए, ये हमारा नया चादर है, एकदम नया वाला, एक यहाँ पर ये है, एक यहाँ पर वो कंबल है, तो और भी तो है, नया भी है ना, ये भी काफी सब अच्छे लगते हैं। हमारा न्यू बेडशीट है, वहाँ पर रख देती हूँ, पता तू मैं वीडियो बना ला, गंदा नहीं करना आप बाप, ठीक है ना। मैं तो गाइस, मैं बिछा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस फाइनली देखिए, एक गड़बड़, चुप हो जा, रस बाबा फ्रिज में, वो वॉशिंग मशीन में रखना, मशीन में रखना कपड़े धोने वाली में। ये रहा इनका गमछा, और एक मेरे से ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, कल मैं गई भी बट मेरा ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी फ्रेंड, आज मुझे ये वाली साड़ी पहननी है, और इसका ना क्या बोलते हैं, पेटीकोट नहीं है, मैं लेके भी नहीं आई, ना ही मैं बनाई थी पहले, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ब्लाउज़ तो मैंने सी लिया है, ये रहा ब्लाउज इसका, लेकिन पेटीकोट नहीं है, और ग्रीन नया कोई पेटीकोट मेरे यहाँ नहीं है, रेड कलर है, रेड ही पहनना पड़ेगा एमरजेंसी में, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, गड़बड़। ये रहा मेरे हस्बैंड का कपड़ा, बहुत ही प्यारा सा है, ये देखिए, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी फ्रेंड ये वाला कपड़ा लेने के लिए इनका,
और लेके आई हुई हूँ ये बच्चों का साड़ी भी रखे इन लोग के लिए लोवर ही लेके आई हूँ। तो गाइस अभी फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और ये देखिए बच्चे और ये मेरी लाडली चली गई लाडली ये मेरे दो फुल लाडले एक लाडली एक कुछ नहीं होने वाला लाडली कुछ वाला मिक्सर में ग्राइंड कर नहीं मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए। तो गाइस तैयार हो गए साड़ी कैसी लगी रोशनी फोन पकड़ ली साड़ी दिखाओ कर लिया अभी रोशनी भी तैयार होगी तब देखिएगा बड़ी क्यूट लगेगी थोड़ा नीचे 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 और नीचे ठीक है और तो गाइस फाइनली मेरी साड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ओए बाप साड़ी देखी नहीं रही बस तो गाइस कैसी लग रही है अभी पूरे तैयार नहीं हुए हैं आधे अधूरे हुए हैं और इधर देखिए ये भी अच्छी लग रही है कैमरे में इसे भले बुरी लग रही नहाएगी अभी अच्छा पूजा करना उसका। तो गाइस चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं पहले क्योंकि रेडी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए बजाने के लिए आरती में तो गाइस चलते हैं फटाफट से कथा में। ये देखिए सब लोग आ गए ये देखिए आंटी व्लॉग वीडियो अच्छा और ये देखिए चाची ठीक है आ जाइए आंटी आ जाइए चल जल्दी हम उधर से वहां पे फिर फटाफट आ जाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा। वो कुछ नहीं है पाउडर का डब्बा रखे वहां पे गैस बंद है कि चालू बंद है वो ही प्लेट होगा ढक दीजिए। दो मिनट में आ तो गाइस चलते हैं ये देखिए चाची इधर हेलो हाय कर लीजिए यार हेलो हाय चलो जा रहे पूजा कराने चल कल्याण था आपका पूरा नस नस में समा गया निकलना नहीं है इतनी जल्दी मेरे पूरे नस नस पक्का कलर है। अरे नस नस में ये तो ठीक है यहाँ पे नस नस में समा गया है। तो नस नस में भी समाना ही है उसने अभी आंटी हमारी रह गई आंटी आ रही आंटी आइए जल्दी धो रही उससे मेरा ठीक है ना सारा ठीक करना है वहाँ पे कुछ भी नहीं होना ऊपर लीजिए बैठ जाएंगे थोड़ी देर का हो जाएगा कुछ हो जाएगा फिर आ जाइएगा तुरंत पाँच मिनट में आ जाइएगा शुरू होने से पहले आ जाइएगा। ये कोई बात है बोलिए खाना नहीं लाना आंटी अभी आएंगी ये खाना नहीं इसका जान भसरा पता नहीं कहाँ दिए रंग लेके जा रही लगाएगी अब मैं पैर में भी गंद पाऊंगी हाँ हो इसीलिए हम बोल रहे हैं बस इसके साथ ही करेंगे ना सारा शौक उतर जाएगा रंग लगाने का था नहीं तो बोले कि कौन लाल पीले लगाए मैंने फोटो ढक लेती हूँ क्या ऊपर प्लेट सारा ही लेके चले गए दो तीन में।